अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आई होप आप लोगों ने अपना पिछला वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा सेकंड चैप्टर है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए रीड करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में हिदायत के लिए कोई भी नबी नहीं आएगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुवत ख़त्म हो गई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए थे। हमारा ये ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ठीक है। उनके बाद इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आएगा, यानी नबुवत का सिलसिला ख़त्म हो गया उन पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्ला, ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला का उनकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल हो गया था। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल ही के थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा बीबी आमना भी इस दुनिया से चल बसी। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल ही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा, जिनका नाम बीबी आमना है, वो भी इस दुनिया से चल बसी। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की, वो उन्हीं के पास रहे।